आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। जिला कैडम एसोसिएशन सह जामताड़ा जिला ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कैरम प्रतियोगिता जामताड़ा नगर स्थित सेंट एंथोनी स्कूल के प्रांगण में किया गया। यह प्रतियोगिता वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए समिति संसाधन और शहर के अनुभवी जूनियर वर्ग के 19 बालक एवं 6 बालिका कैरम खिलाड़ियों की थर्मल स्क्रीनिंग करके ही खेलने की अनुमति प्रदान की। जिला कैरम एसोसिएशन द्वारा पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दिवसीय कैरम प्रतियोगिता आयोजन संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि जामताड़ा जिला कैरम संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार भैया, विशिष्ट अतिथि जामताड़ा जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष डीडी भंडारी ने संयुक्त रूप से कैरम खेल कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर जामताड़ा जिला पेफी सचिव दीन बंधु सिंह, जामताड़ा जिला के कैरम संघ के महासचिव दीपक दुबे, कोषाध्यक्ष नितेश सेन, ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव अरविंद ओझा, स्कूल के खेल शिक्षक अनीश रंजन उपस्थित थे। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। जर्मनी में जो झांसी जी खेलने के लिए हॉकी खेलते हैं, हिटलर ने उनसे हाथ मिलाया था और हिटलर ने उनसे कहा था अगर तुम जर्मनी में रह जाओ तो तुमको हम कर्मों का पोस्ट दे देंगे। रामचंद्र जी के पास होता नहीं था कर्मों खेले दो में, उन्होंने कहा कि साहब मुझे भारत से अच्छा कुछ नहीं मिलता, ये तुम मान जाए मानता हो सकती हो। ये जब उनको हाथों में दिया था जब गुलाम भारत में, तो ये कैरम की बात हुई, खिलाड़ियों की बात हुई। अब बच्चे जाकर अभी दीपक पहले बोलते कि आप 10 मिनट के लिए और कोरोना काल में आप बाहर जाते हैं तो आपके माता पिता को बड़ी चिंता होती है, बच्चे घर में बोर होते हैं। क्या किसी ने कभी अपने माँ या अपने चाची या अपने बुआ के बारे में सोचा था? घर में उनके लिए कुछ नहीं है कि वो कितना नहीं देखेंगे। तो दीपक ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि पूरी तो बोर्ड बाजार से 200 रुपये का बोर्ड ले जाओ, घर में रख दो और माँ के साथ बैठ करके थोड़ा देर खेलते जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, भी कम मजा आएगा। खेलते तो देखो, आयोजन छोटा हो या बड़ा हो, आयोजन आयोजन होता है उसकी अपनी परेशानियां होती है, उसकी अपनी दुशानियां होती है। ये अच्छी बात है कि नौजवानों ने मुर्दा इस तरह संभाला है कि हम बुजुर्गों के लिए कोई काम नहीं रहेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी शुभकामना इन नौजवानों को आने वाले दिनों में ये और ऊपर जाए और ये जो सामने आप बैठे हैं वो इनकी कुछ को उपाय करें, आप इनको वहां से जाइए किनारे हो जाएंगे। ये समय आना चाहिए और परिवर्तन समाज के रूप जमा हुआ पानी सर जाता है। तो इस मुबारक मौके पर सबसे पहले तो आप सभी प्रतिभागियों को शुभकामना देता हूं कि आप सभी लोग अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करिए और अपना बेस्ट करिए, हम जीतेंगे हम ही जीतेंगे। खेल खेल की भावना से होना चाहिए, व्यक्तिगत चीजों को किनारे कर देना चाहिए। तुम जीते तो तुमको शुभकामना, हम जीते तो हमको शुभकामना, सही ना। और धन्यवाद भी दीजिए एक बार हमारे हमारे घर से दीजिए को इस कोरोना काल में कितना उन्होंने आयोजन किया, पैरों को राहुल को और सूरज को यह शुभकामना दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है कि आप लोग जामता में ही नहीं रहिए बल्कि दिल्ली में और दूसरे देशों में जब आयोजन हो तो वहां जाइए, अपने पीछे ही है भोला बाबा, क्योंकि देशों में जाते ही रहते हैं, आपके बहुत सारे लोग विदेश जाते रहते हैं, तो ये दोनों भी विदेश जाए, आप सब लोग घर जाकर के इस सबका वर्णन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।